अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। Hello everyone, Shali Lotra here. Welcome to my channel Shali Lotra's Kitchen. How are you all? Hope you all are healthy and doing good. So, this episode I'm going to dedicate to Lord Ganesha. Om Gan Ganpati Namah. Mahadev ke pyare hain, Ma Gauri ke dulare hain, sabke vighan harta, wo Ganesh hamare hain. So, happy Ganesh Chaturthi to all my viewers. Or on the occasion of Ganesh Chaturthi, people used to worship God Ganesha to seek his blessings. They used to bring Ganesh idols to their homes and worship Lord Ganesha for a few days. उसके बाद वो गणेशा जी को पानी में विसर्जन के लिए ले जाते हैं और पानी में विसर्जन उनका कर देते हैं. So I wish कि इस बार गणेशा जी आप सबके घर में आए विद बैग्स फुल ऑफ हैप्पीनेस प्रॉस्पैरिटी एंड पीस. सो इस बार हम भी छोटे से लिटिल गणेशा अपने घर में लाए हैं. तो वी विल वर्शिप गणेशा जी फॉर फ्यू डेज. आफ्टर दैट वी विल इमर्स गणेशा जी इन वाटर. सो आई विल शो यू माई गणेशा जी आफ्टर दिस. टुडे माई डॉटर केम टू मी एंड आस्क्ड, मॉम आज गणेशा जी के भोग में आप क्या बनाने जा रही हो. देन आई स्टार्टेड थिंकिंग, आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि शी इमीडिएटली सेड, मॉम व्हाई नॉट वी शुड मेक मोदक फॉर गणेशा जी, कि हम मोदक क्यों ना बनाए गणेशा जी के लिए. आफ्टर ऑल दिस आर ऑल टाइम फेवरेट ऑफ गणेशा जी. आई सेड यस दिस इज़ अ ग्रेट आइडिया. सो टुडे आई एम गोइंग टू शो यू द रेसिपी ऑफ सूजी मोदक. दिस आर वेरी हेल्दी और इंस्टेंट, हम बहुत जल्दी इसको विद इन 10 मिनट्स में बना सकते हैं. तो क्यों हम टाइम वेस्ट करें, व्हाई शुड वी वेस्ट टाइम. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद सूजी मोदक फॉर गणेशा जी प्रसाद. 2 कप्स ऑफ सूजी, 1 कप शुगर पाउडर्ड शुगर, 2 टी स्पून ऑफ देसी घी, थिनली स्लाइस्ड पिस्तास एंड आलमंड्स, 2 कप्स ऑफ हॉट मिल्क. टू बिगिन विद आई हैव टेकन 1 नॉनस्टिक पैन एंड नाउ आई एम गोइंग टू ऐड घी. सबसे पहले हम घी ऐड करेंगे. लेट द घी हीट अप, थोड़ा सा हॉट हो जाएगा. आफ्टर दैट आई विल ऐड सूजी. इस टाइम आपकी फ्लेम जो है मीडियम पे होनी चाहिए, कुक टॉप की फ्लेम. Now I have added suji in it. Give it a nice mix. Stir it continuously. हम इसको continuously stir करेंगे. Because इसमें क्या है कि जो सूजी है हमें ज़्यादा roast नहीं करनी है. इसको हमें तब तक roast करना जब इसकी color थोड़ा सा change हो जाए. ये देखिए अब इसे इसमें थोड़ी सी creamish look आ गई है. थोड़ी सी क्रिस्पी हो गई है सूजी. बस हमें इतनी ही रोस्ट करनी है, इससे ज़्यादा रोस्ट बिल्कुल भी नहीं करनी है. लेकिन बहुत ध्यान से कि ये बर्न ना हो जाए. सूजी अब कलर चेंज हो गया है इसका. नाउ आई एम गोइंग टू ऐड मिल्क इन इट. हॉट मिल्क ऐड करेंगे. हॉट मिल्क जो हम ऐड करेंगे वो बैचेस में ऐड करेंगे और इसको कंटिन्यूसली साथ में स्टर करेंगे ताकि लम्प्स जो है वो फॉर्म ना हो. बिकॉज यहाँ पे बहुत चांसेस है कि सूजी के लम्प्स बन जाएं. यस नाउ इट्स डन. गिव इट अ नाइस मिक्स. जैसे ही ये थोड़ा सा इसमें लिक्विडी फॉर्म में रह जाएगी तो नाउ इट्स टाइम टू ऐड पाउडर्ड शुगर इन इट. ये मैंने पाउडर्ड शुगर इसमें ऐड कर दी है. अच्छे से इसको मिक्स कीजिए सो दैट की लम्स फॉर्म ना हो. देखिए ये जो मिक्सचर है, ये बैटर है जो, ये बिल्कुल थिक होने जा रहा है. नाउ आई विल ऐड दिस पिस्ता एंड आलमंड्स.
इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे और हम इसको तब तक स्टर करेंगे। यू शुड कीप इन माइंड कि जो फ्लेम है इस टाइम पे बिल्कुल लो होनी चाहिए, बिकॉज इसमें बहुत चांसेस है कि आपका जो मिक्सचर है ये यहाँ पे स्टिक कर सकता है पैन को। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप नॉन स्टिक पैन ही यूज़ करें जब भी आपने मोदक बनाने हैं। स्टर इट कंटिन्यूसली ऑन लो फ्लेम, तब तक स्टर करेंगे देखिए जब तक ये सूजी जो है ये पैन की सरफेसेस को लीव नहीं करती। ये देखिए अब इसने जो पैन की सरफेस है इसने लीव कर दी है, बिल्कुल भी स्टिक नहीं करी है। नाउ इट हैज बिकम अ नाइस एंड सॉफ्ट डो, हमें ऐसा ही चाहिए, वी वॉन्ट लाइक दिस ओनली। नाउ एट दिस पॉइंट जब ये नाइस डो बन गया है तो आई एम गोइंग टू ऑफ द फ्लेम, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और हम इसको रूम टेम्परेचर पे कूल करेंगे। तो इसको मैं अब ट्रांसफर कर रही हूँ एक बोल में, बिकॉज पैन जो है इट इज ऑलरेडी वेरी हॉट, तो पैन में बिल्कुल भी ये कूल नहीं होगा बहुत जल्दी। तो बेटर यही है कि आप इसको एक बोल में ट्रांसफर कीजिए कि जिसमें ये बिल्कुल कूल हो जाए। Now I'm going to add half teaspoon of इलायची पाउडर, you can skip it, अगर आप नहीं चाहते हैं आपको टेस्ट अच्छा नहीं लगता then you can skip it, but इसके जो टेस्ट है और फ्लेवर है बहुत अच्छा आता है मोदक में। Now give it a nice mix, अच्छे से हमें इसको मिक्स करना with the help of any spatula, you can use a spoon। अब ये मिक्सचर बिल्कुल ठंडा हो गया है, बिल्कुल ठंडा भी नहीं चाहिए हमें, ज़्यादा कूल नहीं चाहिए, थोड़ा सा हॉट होना चाहिए। ये मेरा मोल्ड है मोदक बनाने का, आई एम गोइंग टू अप्लाई घी इन इट, ये घी अप्लाई करेंगे। अब हम स्लोली स्लोली ये मिक्सचर इस पर फिल, ये मिक्सचर हम थोड़ा ज़्यादा फिल करेंगे और अब हम इसको जेंटली प्रेस करेंगे, इसको लॉक कर देंगे। यस, ये हम जेंटली जब प्रेस करेंगे तो एक्स्ट्रा जो मिक्सचर होगा वो मोल्ड मोल्ड के बाहर आ जाएगा। देन वी विल रिमूव दिस मिक्सचर विद अवर फिंगर्स, ये हमने रिमूव कर दिया इसको, ये जो बेस है उसको भी हम रिमूव करेंगे बट जेंटली रिमूव करेंगे। यस, अब हम इसको अपने फिंगर से जेंटली प्रेस करेंगे ताकि वो मोदक का बेस अच्छा सा बन जाए। ये बिल्कुल सेट हो गया है, हम इस लॉक को खोलेंगे। ये बड़े आराम से हमने खोलना है और मोदक को नीचे से उठाएंगे हम। यस, अब देखिए कितना अच्छा डिज़ाइन बना है। अगर हम इसमें मिक्सचर ज़्यादा फिल करेंगे तभी ये लाइंस और डिज़ाइन अच्छा सा बनेगा मोदक का, अगर मिक्सचर थोड़ा होगा फिर नहीं बनेगा। कितना प्यारा मोदक बना है, बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है इलायची पाउडर की, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है और कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही फाइन बना है। अब आप भी ऐसे मोदक गणेश जी के लिए बना सकते हैं और बहुत ही इंस्टेंटली बनते हैं, देखिए कितना प्यारा है, सुपर डिलिशियस, वाओ, अमेजिंग, कितने अच्छे लग रहे हैं मोदक। आप भी इस गणेश चतुर्थी पर अपने गणेश जी के लिए ये भोग बनाइए। Hope you all have enjoyed by this recipe of suji modak. Now you can also make this suji modak for your Ganesha ji and offer him as a prasad. So viewers, today I'm going to introduce my husband to all of you. Hello everyone. Happy Ganesha Chaturthi to all of you. ये वीडियो हमने गणेश जी के लिए बनाई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में गणपति बप्पा मोरया जरूर लिखें। यस, सो गाइस इफ यू लाइक दिस वीडियो ऑफ माइन देन डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कम ऑन व्यूअर्स उसको सब्सक्राइब कीजिए, और आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हो शैली मल्होत्रास किचन, एंड वी विल मीट सून विद अ न्यू रेसिपी। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, stay safe, eat healthy, stay healthy, bye bye। चलिए आइए अब मैं आपको अपने गणेशा जी के दर्शन करवाती हूँ। गणपति बप्पा मोरया।